3 मार्च को वोट देने के बाद स्याही लगी उंगली के साथ अपनी फोटो भेजने की अपील गोरखपुर न्यूज ने कल और आज भी की थी और वोटिंग विद सेल्फी फोटो की मुहिम में गोरखपुर के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सुबह 7 बजे से ही वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी फोटो लेकर भेजना शुरू कर दिया और इस मतदान की मुहिम में हजारों हजार लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी वोटिंग विद सेल्फी फोटो को गोरखपुर न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा, जिसमें से हमने सभी फोटो को दिखाया, जिसमें से कुछ अभी आपके सामने हैं। हमने वोटिंग विद सेल्फी फोटो की मुहिम के सभी तस्वीरों को टीवी चैनल के अलावा गोरखपुर न्यूज के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के पेज पर भी सीधा प्रसारण करके दिखाया। गोरखपुर न्यूज ने वोटिंग कर रहे मतदाताओं से सीधे बात करने के लिए जब अपनी टीम में से एक टीम रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज विश्वकर्मा को भेजा तो उत्साहित मतदाताओं ने खुलकर अपनी बातों को रखा और कहा कि गोरखपुर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोरखपुर के मतदाताओं का रुझान क्या है और किन किन बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने वोट दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज की रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज विश्वकर्मा से गोरखपुर के नागरिकों ने कहा। We'll be right back.
जैसे हमने तो अपना वोट दे दिया, अब आपकी बारी है, करते निकलिए, आइए वोट कीजिए। काशी में मैंने अपने मतों का दान करके अपना अपना योगदान तो कर दिया, आपने किया क्या? आज मतदान का दिन है, मैंने वोट देकर आया, क्या आपने दिया क्या? अगर नहीं दिए हो सबसे पहले जाकर वोट दो, फिर कोई काम करो। धन्यवाद। We'll be right back.
चुनावी अखाड़े में इस बार कौन जीतेगा ये तो 10 मार्च को पता चली जाएगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि जनता इस बार कैसी सरकार चुनेगी। तो आइए हम जानते हैं। जी, आपने वोट डाल दिया? यस, और मैं हर बार वोट डालता हूँ। पहला, अच्छा, पहला वोट आप डालते हैं? अभी बिटिया को लेके आया। अच्छा, आप वोट डालने जा रही हैं? जी हाँ, मैंने वोट डाल दिया। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? भी वोट डाल दिया तो आप ये बताएं अंकल जी, इस बार का मतलब किस बेस पे आपने वोट डाला है? विकास हुआ है, जबरदस्त विकास हुआ है गोरखपुर में। अच्छा, विकास के मतलब बेस पे आपने इस बार वोट डाला है। अच्छा, आपने भी विकास के बेस पे डाला है? हाँ बिल्कुल, आगे मेरी बेटी का भविष्य भी अच्छा रहे इसलिए डाला है। मैडम, हम लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने मुद्दे पे विकास के वोट किया है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो चौतरफा विकास है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी पिछले 5 से 7 साल पहले की भी अगर हम लोग देखें तो जिस जगह हम खड़े हैं ये अंधविद्यालय कहलाता है, ये अंधविद्यालय कहलाता है हमारे एरिया का। और इस अंधविद्यालय में 5 साल के अंदर उस सामने देख रहे होंगे आप, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जो कि आयुष्मान भारत का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि 5 साल के अंदर बना है। और ये जो हमारे वर्तमान विधायक रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये बना है। इसके लिए यहाँ पर जितनी पब्लिक है लगभग 20,000 परिवार होंगे जिनको स्वास्थ्य सेवाएँ यहाँ से मिल रही हैं। इसके अलावा जो अंधविद्यालय के विद्यार्थी थे उनके लिए भी यहाँ पे कई नए निर्माण कार्य हुए हैं। जिस जगह पे भी हम मतदान डाल रहे हैं वो बिल्डिंग भी जो है अभी सरकार ने बनवाई है नई, मतलब यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प दिया गया है सरकार के द्वारा, आम जनता के लिए भी विकल्प दिया गया है सरकार के द्वारा। लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है कोरोना के कारण से, ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती चीज़ दी गई है। कोरोना के कारण जो लोग पैसे की कमी हुई थी लोगों को, उनको जीविका के तौर पर जीने के लिए जो साधन ये मुहैया किया कराया गया, कई लोग इसको गलत रूप से भी ले रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को गरीबी में ना जाने दिया जाए, लोग अपना काम करते रहें जिससे कि अच्छा भविष्य उनका हो सके, इसलिए ये कार्य किया गया सरकार के द्वारा। हम लोग विकास के मुद्दे पे ही वोट दे रहे हैं, हाँ पूरा परिवार, और हमको लगता है कि गोरखपुर से महाराज जी ही आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम रुपेश शुक्ला है। आपका नाम है? अंजू शुक्ला। हमने भी विकास के मुद्दे पे ही वोट दिया है। मतलब आपको लग रहा है गोरखपुर का विकास हो रहा है? आप रोड देखिए, आप बिटिया आता चले जाइए, चौराहे रोड सब एकदम बेस्ट। पहले के अकॉर्डिंग, मेरी तो शादी अभी कुछ साल पहले हुई है, फिर जब से मैं आई हूँ, जब से बीजेपी आया है, एकदम बेस्ट बेस्ट है, बेस्ट। इस समय मैं लाल डिग्गी के राजकीय स्पर्श कॉलेज में हूँ, और यहाँ पे लोग जो वोट डालने आए हैं उनसे हम जानते हैं कि वो किस बेस पे इस बार की सरकार चुन रहे हैं। तो सर, आपने वोट डाला अंदर? जी हाँ। तो आप अपना नाम बताइए पहले। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। मैम आपका नाम? महजबी रहमान। वोट आपने डाला है तो किस बेस पे आपने वो? हम लोगों विकास के ऊपर जा रहे हैं। विकास पे आपने वोट? हाँ। आप सबका मतलब विकास के मुद्दे पे ही वोट डाला? हाँ। है आपने? बस विकास के मुद्दे पे। आपकी पारी सरकार उस तरीके से आएगी जैसे आपकी पारी विकास भया है अपने गोरखपुर, खासकर गोरखपुर शहर में, तो हो सकता है उन्हीं की फिर से सरकार बने। अच्छा, उन्हीं की फिर से सरकार बने। चलिए, आपको आप बताइए क्या लगता है आप? अब देखिए जो भी आएगी ये सब अच्छी ही होगी। सर, आप अंदर से भी इसमें वोट डाल के आ रहे हैं, तो आपको अंदर जा मतलब कैसा लग रहा है, कैसी व्यवस्था है, और वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। अच्छा। नेटवर्क की वजह से सिस्टम थोड़ा सा स्लो था, बट वोटिंग हो रहा है। बस कोई और भी अनर्गल लोग डिस्टर्बेंस ना करें तो पूरी वोटिंग अच्छी होगी। अच्छा। और व्यवस्था ठीक है, जिस तरह से विकास हो रहा है गोरखपुर में, ठीक है, जैसा विकास हो रहा है, और 100% आपको उम्मीद दिखेगी। और हम खुले नहीं बता सकते कि किसको जिता रहे हैं, लेकिन अब की बार 10 मार्च के बाद जो है जैसे आज बिल्कुल 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 यूपी के विकास के लिए, और जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग उसी को वोट दिया गया है, ठीक है, और आगे भी जो है इससे बढ़िया बेटर होगा, हम लोग उन्हीं को ही चुना जाएगा। बस बस। हाँ सर, अपना नाम बता दें। मेरा रिंकू गुप्ता नाम है, ग्रामीण से हैं हम, ठीक है। अच्छा, ओके सर। आपका? विशाल गुप्ता नाम है हमारा। तो भी आपका मुद्दा होगा किस, अपने किस मुद्दे को उठा के? वही सही है जो सरकार है अभी, वो सही है। विकास हुआ है अभी की सरकार? बहुत हुआ है। किस, कैसा विकास हुआ है? अरे गुंडागर्दी खत्म हो गया, और क्या इससे बड़ा क्या चाहिए? गुंडागर्दी के अलावा जो है सड़कें चौड़ी चौड़ी हुई है, कभी किसी सरकार ने चौड़ी सड़कें नहीं बनवाया जो कि अब की बना है। कभी देखा है आपने? जब से देश आजाद हुआ है कभी चौड़ी सड़क नहीं हुई। आने आने कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर फ्री राशन किसी सरकार ने नहीं दिया, कभी नहीं दिया, सिवा लेने के अलावा कभी देने के नाम ही नहीं था। किसी सरकार ने आज तक कोई एक पैसा मदद नहीं किया पब्लिक को। इस सरकार ने इतना सोचा कि कोरोना काल में कम से कम कितना गेहूं और दाल और चावल क्या क्या दिया, ये किसी सरकार ने नहीं आज तक दिया।
लेकिन बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है, बहुत से लोग कह रहे हैं कुछ नया विकास होने, विकास ही है। वो आंख बंद करके बात करते हैं, आंख बंद कर लियो और कहना शुरू कर दिया विपक्षी, विपक्षी की जो है सुर में सुर मिलाने के लिए। वो आंख से नहीं देख रहे हैं, वो पीछे से देख रहे हैं। विकास की गंगा तो बह रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, विकास की गंगा बह रही है। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनने जा रही है और जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो एक बार एम्स चला जाए, उस रोड को देख ले, गोरखनाथ की रोड को देख ले, नौका विहार देख ले, गोरखपुर से लगाए बनारस वाली रोड को देख ले, उसके बाद लखनऊ चला जाए, हर तरफ नोएडा वोएडा हर तरफ चला जाए, चारों तरफ विकास ही विकास है। ऐसा नहीं है, विकास के मुद्दे पे वोट हो रहा है, सुरक्षा के मुद्दे पे वोट हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है मुद्दा सुरक्षा। कोविड के टाइम में जब कोई नहीं धरातल पे था तो पूज्य महाराज जी थे धरातल पे, उन्होंने जितनी सुरक्षा और कोविड के जितने पुख्ता इंतजाम उन्होंने कर दिए थे वो शायद कोई और नहीं कर सकता था, सिर्फ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने ही किया। आप बताइए। मैं तो विकास पे वोट दिया हूँ, राष्ट्रीय हित में वोट दिया हूँ, मोदी जी को, योगी जी को जिताने के लिए और बिपिन सिंह को जिताने के लिए, मेरा वोट भाजपा को। आपका नाम? सबिता वर्मा। आप वोट डाल चुके? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आपने वोट डाला है, वो किस आधार पे आप सरकार को चुनना चाहते हैं? मैं गोरखपुर में रहती हूँ, मैं गोरखपुर की एक बहू हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आने वाले मेरे जो बच्चे हैं उनका विकास हो। हाँ, तो गोरखपुर में जायज़ है जिसकी भी सरकार बनेगी, और मैंने जिसको भी सोच के वोट डाला है वो एक अच्छे ही नेता हैं और अच्छा यूनिट बना के अपना सबको, मतलब अपना विकास, विकास सबको लेके चलते हैं। तो विकास और लेके चली थी, विकास हुआ था? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम गोरखपुर में बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं और आगे भी हम देखते ही आएंगे। आपका नाम? प्रिया यादव। आप जो इस समय वोट डाले हैं किस आधार पे आप वोट डाल रहे हैं? विकास पे, सुरक्षा पे, बेरोजगारी पे। तो इससे पहले की जो सरकार थी उसमें क्या विकास नहीं हुआ था, सुरक्षा नहीं थी? विकास तो हुआ था, सुरक्षा का थोड़ा सा मैटर था। अभी फिर अभी जो सरकार आई थी वो मतलब बेस्ट है, अभी सही है सुरक्षा। किस, तो किस तरह की सरकार इस बार बननी चाहिए? इस बार की सरकार तो सुरक्षा और विकास पे तो काम कर रही है, थोड़ा सा रोजगार पे भी काम करना है उन्हें। थोड़ा सा रोजगार पे भी काम करना है। इसी तरह गोरखपुर न्यूज़ के माध्यम से हम आपको रोज नई खबरों से अपडेट कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, गोरखपुर न्यूज़।